लखनऊ के भारतेंदु नाटक अकादमी में हास्य नाटक तिलिस्मी लोटा का मंचन किया गया। आपको बता दें कि युवा कलाकारों ने इस हास्य नाटक का मंचन किया। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार और आईएएस तिलिस्मी लोटा का मंचन देखने के लिए पहुंचे। नाटक के मंचन में भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा भी मौजूद थे और उनके साथ जिसके पीएचडी चैम्बर के आपको चेयरमैन है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि अब नाटक प्रारंभ करते हैं। फिर जोर शब्दा उद्देश्य लेकर करके फोरम बनाया गया, जिससे इनके जैसे बच्चे जो है जो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, बेसिकली ये लखनऊ की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। और ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है जिसके तहत ये रंगमंच, म्यूज़िक से जुड़े लोग, आर्ट से जुड़े लोग, हर विधा से जुड़े हुए लोगों को जो इस कल्चरल फोरम पर इनको आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, ये तो BNA का प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे इतनी अच्छी प्रस्तुतिकरण हो रही है, इससे ये साफ जाहिर है कि प्रतिभाएं लखनऊ में भी हैं और बहुत अच्छी प्रतिभाएं। अब इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ताकि ये नेशनल लेवल पे भी ये जाएं, और BNA उस दिशा में सक्रिय है। सरकार का इनको जो भी सहयोग चाहिए होगा वो हम पूरा प्रदान करेंगे। BNA एक मंच है, कल्चर में SNA है, रायमानाथ बली है, इस तरह के फोरम्स हमारे पास जो कल्चर डिपार्टमेंट के पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बजट कम होने की वजह से, प्राथमिकता में कल्चर नहीं होने की वजह से, या लोगों में उस तरह की जागरूकता नहीं होने की वजह से, जो कलाकार हैं, जो पोटेंशियल कलाकार हैं, उनको उस तरह के संसाधन, उस तरह के मौके, उस तरह के अवसर, मंच नहीं मिल पाते हैं जिससे उनकी प्रतिभाएं सामने आ सके। लेकिन जब भी ये मौका मिलता है तो ये साबित करते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं बेहतर के लिए। देखिए, हम लोग भी इंसान हैं और हम लोगों की भी भावनाएँ होती हैं, और इतना अच्छा प्ले किया कि एक सेकंड के लिए हम लोगों को ये नहीं लगा कि हम कहीं भटके हों। एनर्जी, कंपोजिशन, डायरेक्शन, एक्टिंग, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली बेस्ट। तो एक्चुअल में क्या है कि ये संदेश जाता है कि आप जो एक कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करते रहें, इधर उधर मत भटके, और जो आपकी थीम है, जिस पे आपका फोकस है, उस चीज़ पे फोकस रहें और हमेशा उसी के रास्ते पर चलें। इधर उधर भटकने से आपका जो मोह भंग होगा उससे आप दुविधा में पड़ सकते हैं, आप बहुत कुछ खो सकते हैं।